1952 में एक 26 वर्ष का लड़का कोरा लाई, जो उस वक्त ब्रिटिश ज़माने में पाकिस्तान बलूचिस्तान में से आया। अब ये कोराले जगह अफगानिस्तान बलूचिस्तान में है। उस लड़के का नाम था राजकुमार कुलभूषण पंडित। अपने किस्मत आजमाने के लिए राजकुमार ने कुछ वक्त के लिए उस टाइम के बॉम्बे इलाके में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। बाद में उनकी जो असली चाहत थी फिल्म्स, उन्होंने पदार्पण किया फिल्म रंगीली 1952 में। कुछ फिल्म्स करने के बाद उनकी पहली सुपरहिट फिल्म आई फिल्म वक्त बीआर प्रोडक्शन की, जिसमें उनकी खास बोलने वाला अंदाज, खास चलने वाला अंदाज या ढंग, जो उन्होंने मशहूर फिल्म एक्टर चार्ल्स बाउंसन, हॉलीवुड एक्टर, उससे चुराई थी। और तीसरा और आखिरी उनकी जो खास कपड़े वाला अंदाज और ढंग था, उससे उस टाइम के आदमी लोग बहुत प्रभावित हुए और फिल्म वक्त और राजकुमार उस वक्त 1965 में बहुत हिट हो गए। अब आप देखिए वक्त फिल्म के कुछ सीन। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, चिनाय सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और बाद में 1967 में आई फिल्म हमराज, जो बीआर फिल्म की थी और उसके डायरेक्टर थे यश चोपड़ा। यश चोपड़ा जी ने राजकुमार की इस फिल्म में एंट्री काले रंग की पैंट और सफ़ेद शूज पहनने वाले दो टांगों से की थी। और आखिर में पर्दे पे राजकुमार का चेहरा दिखता है। यह फिल्म इस सीन को ऐसे बहुत ही हिट हुई और राजकुमार की शानो शौकत चारों चांद दुनिया में पसर गई। अब देखिए फिल्म हमराज का राजकुमार का एंट्री वाला सीन। ये राणा साहब है, यह राजकुमार जो अपने खास आवाज के वजह से, अपने खास पहनने वाले कपड़ों के वजह से और अपने खास चलने वाले ढंग से उस वक्त 1970 के दशक में बहुत हिट था। राजकुमार के फैंस राजकुमार की फिल्म सिर्फ उसके डायलॉग सुनने के लिए 25-25-50 बार देखते थे, है ना कमाल।